वायरल डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मूवी स्क्रिप्ट के बारे में जिसे श्राप मिला था। एक ऐसा श्राप मिला था कि अगर इस स्क्रिप्ट को कोई भी एक्टर पढ़ता है तो उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है फिलहाल, और ऐसे ही वायरल होते हुए हमारे पास पहुंची। तब हमने सोचा कि क्या सच में पॉसिबल है कि किसी स्क्रिप्ट को ऐसा श्राप मिला हो जिसे पढ़ने के बाद एक्टर्स की मौत हो जाए। हमारे मन में भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं, और हमने इस पूरे की पूरी खबर के ऊपर, इस फिल्म के ऊपर, इस स्क्रिप्ट के ऊपर जांच पड़ताल की, और हमें ऐसी ऐसी बातें मिली जो चौंकाने वाली थी। इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको फिल्म का नाम बता देते हैं। फिल्म का नाम है अटूक, और ये एक ऐसी हॉलीवुड मूवी है जो कभी बनाई ही नहीं जा सकी। दरअसल इस मूवी के हीरो का रोल करने वाले जितने भी कलाकार थे, जो भी स्क्रिप्ट को पढ़ते थे, उनकी मौत हो जाती थी। हो सकता है आपको इस बात पर यकीन ना हो या फिर आप इसे इत्तेफाक कहने लगे, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री ने एक के बाद एक मौतें देखी तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रिप्ट की शुरुआत एक कैनेडाई लोकगीत से हुई थी। क्या है वो लोकगीत जिसने इतने लोगों की जान ले ली, आइए आपको बताता हूं। लोकगीत के मुताबिक एक लड़की को अलास्का में आई एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़का उसके पीछे पीछे न्यूयॉर्क जाता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन वो लड़की उससे प्यार नहीं करती। और वो उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार होता है, इतना ज़्यादा प्यार में पागल होता है कि वो सब कुछ खो बैठता है और उसकी मौत हो जाती है। इस गीत पर एक नॉवल भी लिखा गया है जिस नॉवल का नाम है द इनकम्पेरेबल अटूक। आपको बता दें कि इसी नॉवल पर एक कहानी लिखने के लिए बोला गया। इस कहानी को लिखने के लिए किसने बोला? इस कहानी को लिखने के लिए बोला डायरेक्टर नॉर्मन जेविनसन ने। आपको बता दें कि स्क्रिप्ट राइटर को कांटेक्ट किया गया। स्क्रिप्ट राइटर थे टॉड कैरोल। आपको बता दें कि टॉड कैरोल को फिल्म लिखने के लिए कहा गया और उनको 2 साल लगे स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। स्क्रिप्ट लिख के एक कॉमेडियन एक्टर जॉन बेलुशी को स्क्रिप्ट दी गई पढ़ने के लिए, और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही एक होटल में ड्रग ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई। यही नहीं, 6 अन्य कलाकारों की भी इसके स्क्रिप्ट पढ़ने से मौत हो गई। अब जॉन बेलुशी के बाद नंबर आता है कॉमेडियन एक्टर सैम किन्सन का। आपको बता दें कि सैम किन्सन की एक कार हादसे में मौत हो गई। इसके बाद नंबर आता है जॉन कैडी का। जॉन कैडी होटल में संदिग्ध हालत में पाए गए, उनकी मौत हो गई और उनकी मौत ने सबको हैरान करके रख दिया। इसके बाद स्क्रिप्ट देने वाला शख्स माइकल ओडोनोगी का भी मौत हो गया, वो भी मौत के चपेट में आ गया, और इस मौत ने सबको चौंका दिया। ऐसा माना जाता है कि क्रिस पार्लो और जॉन हार्टमैन दोनों एक्टर्स की मौत भी इसी शापित स्क्रिप्ट की वजह से हुई थी और इसके पढ़ने की वजह से हुई थी। अब जब इतनी ज़्यादा मौतें फिल्म इंडस्ट्री देखने लगी, जब इस स्क्रिप्ट का सच सबके सामने आया, तब इस प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला लिया गया और इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसे शापित बताया गया। ये सभी जितनी भी मौतें हैं वो रिकॉर्डेड है, इंटरनेट पे हम आप सभी की मौतों के बारे में पढ़ सकते हैं। उन्होंने लास्ट फिल्म कौन सी करने के बारे में सोची थी, और ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के लेके भी इंटरनेट पे काफ़ी सारी जानकारी थी। फिलहाल वायरल डिटेक्टिव ने सोचा कि इसके बारे में बात की जाए, और हमने इस एपिसोड में आपको इस शापित स्क्रिप्ट के बारे में बताया। वायरल डिटेक्टिव के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक और वायरल खबर के साथ, एक और वायरल वीडियो के साथ।